गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था। चैप्टर थर्ड क्या था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होते बेटा? सब्जेक्ट सेंटेंस में जो वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है सब्जेक्ट, जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। फिर आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अपनी जो वर्क ड्रिल है ये स्टार्ट करेंगे। सो अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है उसे तो अंडरलाइन करना है, ठीक है, और जो प्रेडिकेट है उसे क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। क्या करना है? प्रेडिकेट को सर्कल करना है। सो देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है। द कैट इज ऑन द रूफ। जो कैट है वो कहाँ है? ऑन द रूफ, छत पर है। कैट कहाँ है? छत पर है। इस कौन है छत पर? किसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि छत पर कौन है? द कैट। द कैट क्या है? सब्जेक्ट। जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सो ये क्या है? द कैट इज सब्जेक्ट, ठीक है। इज ऑन द रूफ, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस बचता है या जिसके बारे में जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो इज ऑन द रूफ क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो इसे क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है द बॉयज आर रनिंग। जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं वो रन कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, ठीक है। द बॉयज आर रनिंग, वो रन कर रहे हैं, ठीक है। कौन रन कर रहे हैं? किसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है? रन कौन कर रहे हैं? द बॉयज। तो द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? अंडरलाइन, ठीक है। आर रनिंग जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, या इस सेंटेंस में या तो जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो, या सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग सेंटेंस बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है बेटा? प्रेडिकेट, ठीक है। थर्ड, दीज बुक्स बिलोंग्स टू माई सिस्टर। ये जो किताबें हैं ये मेरी सिस्टर की हैं, ठीक है। दीज बुक्स बिलोंग्स टू माई सिस्टर, ये बुक्स जो हैं वो मेरी सिस्टर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो डिस्क्राइब किसके बारे में किया जा रहा है? डिस्क्राइब बुक्स के बारे में किया जा रहा है, ठीक है ना। दीज बुक्स, ये किताबें, तो जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है सब्जेक्ट। यहाँ बुक्स के लिए डिस्क्राइब किया जा रहा है, सो बुक्स क्या, दीज बुक्स क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। बिलोंग टू माई सिस्टर, बिलोंग टू माई सिस्टर, ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये मेरे सिस्टर से बिलोंग होती हैं, ठीक है, थीके? तो ये क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा बेटा? प्रेडिकेट। सो इसे हम सर्कल करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द बेगर वॉज हंग्री। जो भिखारी था वो भूखा था। द बेगर वॉज हंग्री, सो किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है? द बेगर। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। वॉज हंग्री, भूखा था, ये क्या है? उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, सो इसको क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? सर्कल, क्योंकि ये प्रेडिकेट है, ठीक है। द पुलिसमैन कैचेस द थीफ। द पुलिसमैन कैचेस द थीफ, जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है? द पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या होगा?
सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होगा? रिमेनिंग सेंटेंस प्रेडिकेट होगा या जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये हमें कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमें मैच करना है, ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। सो द रोजेज इज अ गुड सिंगर, नो, आर शावर, नो, आर बिल्डिंग नेस्ट, रन फास्ट, आर रेप, आर रेड, द रोजेज आर रेड, कौन सा ऑप्शन है? एफ, द रोजेज आर रेड, मैच करो। ऑप्शन क्या है? एफ, मैच करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हॉर्सेस, हॉर्सेस को इनमें से किससे करेंगे हम? हॉर्सेस रन फास्ट, हॉर्सेस रन फास्ट, कौन सा ऑप्शन है? डी, डी ऑप्शन, ठीक है। मैंगोज आर रिप, मैंगोज पक चुके हैं, मैंगोज आर रिप, कौन सा है? ई, मैच करो। फिर नेक्स्ट द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं, डी, सॉरी बी। समीर इज अ गुड सिंगर, जो समीर है वो बहुत अच्छा सिंगर है, ऑप्शन कौन सा है? ए। द स्पैरोज आर बिल्डिंग नेस्ट, जो स्पैरोज हैं वो नेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, कौन सा है? सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सी क्वेश्चन। सी में फर्स्ट, सी में हमें करना क्या है? पहले तो ये देखो, जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं इनके थ्रू हमें जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको एक सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। कैसे? देखो, राइजेज इन द मॉर्निंग, क्या राइज होता है बेटा मॉर्निंग में? सनराइज होता है, यहाँ भी पिक्चर में सनराइज हो रहा है, सो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सो द टी एच ई, द एस यू एन, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। फिर है तुषार इज, बेटा इस पेन ड्राइंग में ये क्या कर रहा है? ऊपर वाली पिक्चर में तुषार क्या कर रहा है? पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है, सो द तुषार इज पेंटिंग, पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ईटिंग ग्रास, हु इज ईटिंग ग्रास, ग्रास कौन खा रहा है पिक्चर में? The cow is eating grass. कौन? The cow. The cow. C O W. The cow is eating grass. फिर next अपना fourth है Dash is eating sugar cane. ऊपर वाली picture में जो fourth picture है इसमें sugar cane कौन खा रहा है? Who is eating sugar cane? गन्ना कौन खा रहा है? The elephant is eating sugar cane. The elephant, E L E P H A N T. The elephant is eating sugar cane. जो elephant है वो गन्ना खा रहे हैं. So हमने अपने chapter third में question A, B और C complete कर लिए, ठीक है। अपने चैप्टर थर्ड क्या था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैंने आपको पहले भी बताया सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है सब्जेक्ट, जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग सेंटेंस बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सो हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है।
और बहुत अच्छे से समझना बेटे, इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स हैं इनको, एकदम बेसिक हैं ये, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इनमें फिर प्रॉब्लम करोगे तो आगे इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ओके, बाय।